छिंदवाड़ा जिले में प्रकाश मेडिकल स्टोर है, जहाँ पर गरीबों के पास अगर पैसा नहीं है, इमरजेंसी में उनके पास दवा के लिए पैसा नहीं है, इसमें आप उनको दवा दे दीजिएगा, मैं पेमेंट कर दूंगा। ऐसा भी कहा गया है इफ यू वांट टू फील द पेन ऑफ अदर्स देन पुट योर फूड इनटू द शूज देन यू विल फील वेयर द शूज टू वो कहावत है, मुहावरा है ना, जाके पैर न फटे दो भाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद मोटिवेशन में। दोस्तों आज हम आपको मिलाने वाले हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से श्री श्याम प्रसाद तिवारी जी, जिन्होंने बहुत ही गरीबी में, जिनके पिताजी का 13 वर्ष की उम्र में जिनके पिताजी का देहांत हो गया और इनकी माताजी ने बहुत ही संघर्ष करके इनको पढ़ाया लिखाया और ये SDO बने और एक ऐसे भारत के SDO बने हैं जो कि गरीबों की बहुत मदद करते हैं। ये हॉस्पिटल के सामने अगर कोई बड़ा मेडिकल स्टोर है वहां पर अगर किसी को, एक छिंदवाड़ा जिला में प्रकाश मेडिकल स्टोर है जहां पर गरीबों के पास अगर पैसा नहीं है, इमरजेंसी में उनके पास दवा के लिए पैसा नहीं है, तो ये स्वयं कहते हैं कि अब मेडिकल स्टोर वाले से बोल के रखे हैं कि आप उनको दवा दे दीजिएगा, मैं पेमेंट कर दूंगा। तो इस प्रकार से महान शख्सियत हमारे साथ है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका आनंद मोटिवेशन में। हाँ, समस्त बंधु बांधव श्रोतागण, मुझसे श्रेष्ठगण, सबको नमन करता हूँ। संक्षेप में मेरा जो जीवन इतिहास है वो ऐसा है कि मेरा बचपन, मैं अकेला ही माँ बाप का लड़का था और मेरा जो बचपन है बड़े संघर्ष झंझावतों से गुजरता हुआ, मैंने 12वीं पास किया। उस जमाने में 12वीं को 11वीं कहते थे, 11वीं होती थी। 63-64 में मैंने 11वीं मतलब हायर सेकेंडरी पास किया था। उसके पश्चात फिर ईश्वर की कृपा थी, उस जमाने में इतने फर्स्ट डिवीजन नहीं आते थे जैसे आजकल आते हैं। हमारे चारों सेक्शन में केवल 4 लड़के ही फर्स्ट डिवीजन आए थे, आई वॉज वन ऑफ देम। इसके बाद ईश्वर की प्रेरणा से कुछ अच्छे संगत का फल मिला मुझको कि मैंने पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया। मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। ये समझिए कि मेरे शायद 11वीं मेरे परिवार में प्रथम लड़का था जिसने पहली बार 11वीं पास किया या हायर सेकेंडरी पास की, फिर पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया, उसमें मैं फर्स्ट डिवीजन आया। तदनंतर मेरी सभी उस जमाने में सन 1971 की बात है, सभी लोगों को मेरे को सभी डिपार्टमेंट मेरा हो गया था। PHE में हो गया था, इरीगेशन में हो गया था, BNR में हो गया था। उस जमाने में पॉलिटेक्निक जो पास करते थे उनकी जो नियुक्ति होती थी वो उपयंत्री पद पे होती थी, बाद में उसका नाम बदला तो सब इंजीनियर ओवरसियर था, फिर उपयंत्री हुआ, फिर सब इंजीनियर हो गया, शायद जूनियर इंजीनियर वगैरह कहते हैं। उसके अनंतर मेरा ब्याह वगैरह हो गया। ब्याह होने के बाद मैंने फिर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर से एडमिशन लेकर के फिर मैंने BE डिग्री हासिल की। मैं लगभग 12 वर्ष तक सब इंजीनियर रहा और जैसे मैंने डिग्री हासिल की तो उसके 1-2 साल के बाद फिर मेरा असिस्टेंट इंजीनियर सिंचाई विभाग में प्रमोशन हो गया। ऑफिस में रहते हैं तो उसको असिस्टेंट इंजीनियर कहते हैं, जब सब डिवीजन या फील्ड में जाते हैं तो उसको सब डिविजनल ऑफिसर कहते हैं, क्योंकि वे एक सब डिवीजन का सब उन्हें वर्क संभालना पड़ता है। ऑफिस में है ड्राइंग, डिजाइन, एस्टिमेट, कंप्लायंसेस एक्सेट्रा, ये सब करना पड़ता है। तो मैं ज़्यादातर फील्ड में ही रहा और चूंकि मैं जब सब इंजीनियर था तो मैंने बहुत मेहनत से काम सीखा था। काम पैसे कमाने में कभी भी ध्यान नहीं दिया मैंने, क्योंकि हम लोगों के डिपार्टमेंट में आप ज़्यादा काम करेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, उस जमाने के हिसाब से बड़ा वाजिब पैसा मिल जाता। और इस जमाने में तो मैंने कभी किसी को ब्लैकमेल नहीं किया, किसी को विश्वासघात नहीं किया, किसी को हॉट नहीं किया, नेवर। तो मेरा कहने का मतलब है कि उसके बाद जब मैं SDO बना तो बहुत मैंने जहाँ जिस सब रीजन में भी रहा बहुत काम करने की कोशिश की, वो बहुत काम किया। मैं एडमिनिस्ट्रेटर एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, क्योंकि सब रीजन में एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है और ऑफिस वर्क भी होता है। फील्ड में बिना एडमिनिस्ट्रेशन के आप सफल नहीं है, उस जमाने में कोई भय नहीं रहता था। हालांकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो रहता था,
क्योंकि वो काम ही ऐसे होते थे, लेकिन फिर भी इस जमाने जैसा नहीं था। इस जमाने में तो अब लोग बाग जैसे भी हैं वो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स लोग जानते होंगे। तो अनंतर फिर बाद में मैं लगभग 25 ईयर्स एसडीओ रहा और लास्ट में फिर ब्राह्मण आदमी हुआ, एक्सीएन होकर रिटायर हुआ एक दो साल के लिए। आपके मन में प्रेरणा कैसे हुई लोगों की मदद करने के लिए, समाज में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने के लिए, जो गरीबों हैं, जो असहाय हैं, जो निर्बल हैं, जो लाचार व्यक्ति हैं, बीमारी के लिए दवा जिनके पास नहीं रह पाता है, पैसे नहीं रहते हैं, तो आपने कैसे मन में आया कि मैं प्रकाश मेडिकल को ऐसी जिम्मेदारी दे दूं कि अगर उसके पास कोई व्यक्ति आ रहा है जिसके पास पैसा नहीं है वो मेरे पास कॉल करे, आप उसको स्वयं पेमेंट करते हैं, तो आपके मन में कैसे प्रेरणा जागृत हुई कि आप इसके लिए कदम उठाएं? इंजीनियर्स लोगों में जो जल संसाधन विभाग या इरिगेशन डिपार्टमेंट से संबंधित है वो जानते हैं कि वो इंजीनियर्स लोगों की जिंदगी प्रायः गांव में ही ज्यादा बीतती है। वो गांव में ही क्योंकि नहरें हैं, तालाब है, वो गांव में रहेंगे, शहर में बहुत कम रहेंगे, 10% गांव में ज्यादा रहते हैं। तो मैं ग्रामीणों से और गाँव से बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ, मैं खुद गाँव का रहने वाला हूँ, मेरी माँ गांव में रहती थी, गांव से आना जाना वो बड़ा अंतरंग संबंध है। तो मैं उन लोगों की दुख कष्ट पीड़ा सब जानता था, उनके अभावग्रस्त जिंदगी को जानता था, और चूंकि मैंने खुद अभावग्रस्त जिंदगी जिया तो मुझे उनको समझने में देर नहीं लगती। ऐसा भी कहा गया है कि इफ यू वांट टू फील द पेन ऑफ अदर्स then put your feet into the shoes, then you will feel where the shoe pinches। वो कहावत है, मुहावरा है ना, जाके पैर न फटी बिवाई, ऐसा करके है कुछ। वो क्या जाने की पढ़ाई, वो बाद में अपने स्वार्थ के लिए मैं वेद शास्त्र पुराण सब कहते हैं कि हवन किया हुआ और दान दिया हुआ ही स्थिर है, बाकी सब नष्टवान है, सब नाशवान है, सब नष्ट हो जाते हैं। उत्तम च दत्तम च तथा प्रतिष्ठति। तो आप सभी लोगों को धन की गति तो तीन है, दान भोग और नाश। धन यदि आपके पास है तो दान करना सीखिए, ये और उसके साथ साथ उपभोग करना सीखिए। यदि आप धन का उपभोग नहीं करेंगे और दान नहीं देंगे तो वो विनष्ट हो जाएगा। आपके नाते रिश्तेदार बहुत पीछे हैं, खूब उसका ऐश करेंगे, गुलछर्रे उड़ाएंगे, आप इकट्ठा करके तिजोरी में मर जाएंगे। मैंने बहुत मेरे उदाहरण है कि खूब जिंदगी में बेचारे कष्ट से पैसा इकट्ठा किए, बाद में लोगों ने क्या गुलछर्रे उड़ाए उनके नाते रिश्तेदार लड़के बच्चों ने। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि ये सब देख करके कि और जो हम देंगे वो आनंद गुना होके वापस मिलता है, ऐसा वेद शास्त्र पुराण कहते हैं। इसलिए सभी को दानशील होना चाहिए जी, अपने औकात के हिसाब से दान पुण्य करना चाहिए जी। यदि आप गरीब हैं, सभी को तो नौकरी लगती नहीं, पढ़े लिखे बहुत हैं लेकिन नहीं मिलती सभी को नौकरी, लेकिन आज भी पढ़ाई की वैल्यू और इज्जत तो है। प्राइवेट अच्छे अच्छे ब्रिलियंट लोगों को तो प्राइवेट कंपनीज ले लेती हैं, इसलिए निराश नहीं होना चाहिए, पढ़ना तो जरूरी है। एक सामान्य स्थिति वाले को पढ़ना लिखना जरूरी है यदि उसको अच्छी थोड़ी अच्छी जिंदगी जीना है, और नहीं तो आप बिरला के यहाँ, अंबानी के यहाँ, अडानी के यहाँ, करोड़पतियों के यहाँ, अरबपतियों के यहाँ पैदा होते, लेकिन पूरा 90% लोग तो ऐसे पैदा होते हैं जिन्हें संघर्ष करना है तभी प्राप्त होता है जी। और वो लोग ऐसे हैं कि उनको तो हिसाब ही नहीं रखना पड़ता अपने खर्चे का, उनका असिस्टेंट हिसाब रखता है और पेमेंट करता है जी। उन्हें मत ही नहीं हम महीने में कितना खर्चा करते हैं जी। प्लेन में करते हैं या बड़े बड़े 5-स्टार होटलों में करते हैं या बड़ी बड़ी पार्टियों में करते हैं, खैर छोड़िए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हम यदि जो देंगे वो अनंत गुना होकर हमें वापस मिलेगा जी। और हम नहीं देंगे तो इधर इधर बने रहेंगे जी। बिल्कुल इसको अकाट की सत्य है ये कि दान दिया हुआ ही अनंत गुना होकर वापस मिलता है जी। इसलिए अगले जन्म के इस जन्म में तो आपने डेढ़े मरे बैल की नाई, परिवार को खूब पाल लिया, अब आप यदि जिंदा हैं 55-60-65 साल के बाद
तो अपने अगले जन्म के लिए ये जरूरी है कि आपको दान दक्षिणा थोड़े काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत से आप गरीब हैं तो आप आटे को में शक्कर मिला के पेड़ों के नीचे डाल दीजिए, पचासों हजारों चींटियों सैकड़ों खाएंगे, वो आपको पुण्य प्राप्त होगा। आटे की आटे को गीला करके वो उसकी छोटी छोटी गोलियां बना के नदी नदी में डाल दीजिए, तो मछलियां खाएंगी, जल जंतु खाएंगे, उसका आशीर्वाद मिलेगा। यदि आप कर सकते हैं तो कुछ और कुछ कर सकते हैं तो आप अपने जो छोटे लोग हैं और आपके पास वस्त्र भी है कुछ यदि घर में तो आप उनको दे सकते हैं। जैसा बड़ा भाई छोटे छोटा भाई बड़े भाई का कपड़ा पहन लेता है तो अच्छे कपड़े हैं यदि दो चार साल के यूज किए हुए तो आप उनका उपयोग कर सकते हैं, उनको दूसरों को दे सकते हैं, उनको समझा सकते हैं इससे भी ये मानहानि नहीं होगी। बड़ा छोटा भाई बड़े का पहनते ही है जी, जी कपड़े पहनने में छोटा थोड़ी हो जाता जी। तो इस उद्देश्य से किसी भी प्रकार से कैसे भी आप दान दक्षिणा कर सकते हैं। और एक चीज जाते जाते मैं ये कहता हूँ, मैंने कहीं पढ़ा था बहुत सदग्रंथों में ये पढ़ा था, यदि आपके घर में कोई बीमार पड़ रहा है जी, इसे बहुत ध्यान से सुनिए और जीवन में उतारिए, और आप खुद बीमार पड़ रहे हैं जी, तो आप अस्पताल में जाइए जी, प्राइवेट मेरा मतलब प्राइवेट अस्पताल में नहीं, शासकीय अस्पतालों में, और वहां नजारा देखिए पेशेंट्स मरीजों का क्या हालचाल है जी, वहां मरीजों का हालचाल देखिए, आपको पूरा भारत दिख जाएगा वहां पे जी। उनको उनमें तो आपको वो शासकीय अस्पतालों में तो गरीबी लोग जाते हैं जी, कुछ पैसे वाला तो प्राइवेट अस्पताल में जाएगा भाई जी, उसका कमरा भी प्राइवेट रहेगा जी, और वहाँ बेचारे कॉरिडोर में पड़े रहते हैं, वो जो सामने का कॉरिडोर रहता है उसमें पड़े रहते हैं पेशेंट के साथ जो भी आए होते हैं जी। तो इन पे ध्यान रखिए, इन पे दया करिए, और इन लोगों के पास गाँव के लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं ये मान के चलिए, कैसे पता नहीं कैसे बेचारे लाते होंगे 1,000-2,500 जो भी लाते होंगे, उनकी मदद करिए, उनकी दवाइयाँ खरीदवा दीजिए अस्पताल से जी, जहाँ से भी उन्हें खरीदना है जी। आपके यहाँ घर में कोई बीमार नहीं पड़ेगा, आप भी नहीं पड़ेंगे जी, ये याद रखिए जी। आपको धन की कमी हो रही है तो आप ये अभी मैंने बताया चीटी वाला जंतु वाला और दूसरे का काम कर दीजिए, अपना समय उसको दे दीजिए, बिना पैसे का काम करिए, पैसे नहीं है आपके पास तो उसकी कोई मदद कर दीजिए जी। अब कैसे करना है ये आपका दिमाग है, भगवान ने दिमाग दिया है, सोचिए इसकी कैसे मदद कर सकता हूँ, उसका कोई काम होगा उसमें मदद कर दीजिए, बैंक जाना होगा उसका फॉर्म भर दीजिए। कई लोग होते हैं, कई लोग मिसयूज भी करते हैं चीज का, और भी कई ढंग से आप काम कर सकते हैं। कोई बड़ा आदमी खड़ा है आप टिकट ले रहे हैं उसके टिकट ले दीजिए, ऐसे छोटे छोटे काम आप कर देंगे तो आपको खुद ही खुशी होगी, वही आपको पुरस्कार है जी। इतना कहकर मैं विराम लेता हूँ, और नहीं तो कहने को तो बहुत सी बातें हैं, फिर अगली बार मिलेंगे। हरी इच्छा, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार।